डिजिटल न्यूज 20 से मैं चीफ रिपोर्टर अरुण कुमार शाही। अभी SKMCH के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत हो रही है। डॉक्टर साहब, आप अपने परिचय के साथ बताएं कि अभी इमरजेंसी में किस तरह का पेशेंट ज्यादा पहुंच रहा है और इस मौसम में क्या लोगों को अपने पर ख्याल रखना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर लाला लाजपत राय, मेडिसिन डिपार्टमेंट, अभी इमरजेंसी में तैनात हूँ। अभी का जो पेशेंट है वो मेन रूप से BP और ब्लड प्रेशर का पेशेंट आता है और सांस का जो प्रॉब्लम होता है ना वो ज्यादा रहता है। COPD हुआ, अस्थमा हुआ, इस तरह का पेशेंट ज्यादा रहता है। तो BP इस समय जिनका BP बढ़ा हुआ रहता है ऐसे नॉर्मली पेशेंट को, उनको चाहिए BP अभी और रेगुलर तरह से चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि ठंड में BP जो होता है अचानक उनको बढ़ने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। ठंड में वो जो ब्लड भेसल जो होता है ना वो सिकुड़ापन उसका बहुत ज्यादा होता है, इसके चलते उसका BP जो होता है ऑटोमेटिक इंक्रीज करते चला जाता है। इसके चलते दो चीज हो सकता है, एक तो हेमरेज इजली में हो सकता है, बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा कार्डियोवैस्कुलर में भी इसका, हार्ट में भी इसका प्रॉब्लम होता है। तो सबसे ज्यादा पेशेंट अभी CVA का पेशेंट हेमरेज का हम लोग को हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा मिल रहा है। SKMCH में भी और सब जगह आता है, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी उस तरह का केस और बढ़ते जाएगा। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए है कि जिनको BP है, जैसे 45 बरस हो गया उनको, किन्हीं को 45 से ऊपर 50 हो गया, उनको रेगुलर BP का ट्रीटमेंट चेकअप कराते रहना चाहिए। यदि BP उनको लगातार 130/80/90 से ऊपर जाए, 130/80 से ऊपर यदि जा रहा है तो उनको प्रिकॉशन के लिए लेना पड़ेगा, उसको कुछ ड्रग लेना पड़ेगा। उनको 130 के मेंटेन करके रहना है, जो 150-150 पर जाता है 160-170 पर हेमरेज होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए इस चीज से बचने के लिए उनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेना पड़ेगा। ठंड से भी बचना चाहिए, ठंड से तो बचना ही चाहिए, वो 50 बरस के बाद तो दम ठंड तो सबको बचना चाहिए, लेकिन अच्छा, जो BP वाला पेशेंट होते हैं उनको ठंड तो ऐसे ही ज्यादा BP और बढ़ा देता है, ठंड में BP का शिकायत बढ़ जाता है। सांस नली में भी उसका वही, उसमें भी सिस्टम है, उसमें भी थोड़ा सा COPD का पेशेंट का और दम फूलने का बीमारी और बढ़ जाता है। COPD वाला हुआ, अस्थमा हुआ, कितना पेशेंट गर्मी के दिन में COPD का पेशेंट बहुत नॉर्मल रहेगा और ठंड का जैसी आता है मौसम उसको बढ़ जाता है। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।